बीजेपी के पूर्व प्रधान कमल शर्मा जी की अज पंजवीं पुन्य तिथि सी और तरुण चुग के दफ्तर के उन्होंने पुन्य तिथि मनाई गई है और इस तिथि वाले दिन इस दिन उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई है, पुष्प वर्षा की गई है। इस तो इलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही तरुण चुग ने प्रदेश के सारे कार्यकर्ता लीडर वो भी सारे बुलाए थे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धा के फुल अर्पित किए कमल शर्मा को। कमल शर्मा जी की अज की पंजवीं पुन्य तिथि सी, शंटी जी अज पंजवीं पुन्य तिथि है कमल शर्मा जी की और तरुण चुग जी के ऑफिस के बड़ा भव्य समागम सीगा, उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही भी सारे मंत्री और नेता लीडर गण सारे पहुंचे ने और क्योंकि कमल शर्मा एक शख्सियत सी। देखो जी अज उस शख्स की असी पुन्य तिथि मना रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ही समाज की सेवा को समर्पित कर दिता। सब तो पहले तो मैं कहना वा भी धन्यवाद करते हैं साढ़े राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का जिन्होंने ये श्रद्धांजलि समारोह रखिया। तुसी देख सकते हो भी कमल शर्मा एक एहोजे शख्स सी जिन्होंने छोटे तो छोटा कार्यकर्ता और वड्डे तो वड्डा कार्यकर्ता भी इस तरह समझता सी जिवें वो वड्डियां दे बच्चियां वांगू सी, मेरे वर्गे कार्यकर्ता दे वड्डे भाइयां वांगू सी। बड़ा समा जीवन दे विच उन्हां नाल गुजारन दा मौका मिलिया। अज पंजवीं पुन्य तिथि असी मना रहे हैं, तुसी देख रहे हो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे विच वड्डे तो वड्डा मैं लीडर या नेता नहीं कहांगा क्योंकि भाजपा के लीडर या नेता नहीं होंगे, सब कार्यकर्ता। साडा इक्को ही मकसद है समाज की सेवा, संगठन के माध्यम के नाल समाज की सेवा करना। साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी समाज की सेवा करते हैं, असी उन्होंने भी कभी प्रधानमंत्री नहीं किया, हमेशा वो कहते हैं भी मैं प्रधान सेवक हो, मैं जनता का सेवक ही हाँ। तुम देख रहे हो भी साढ़े मानयोग प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी भी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े से, पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी जुड़े थे, राकेश राठौर जी, सुभाष जी, होर प्रदेश की जी टीम है और वड्डे तो वड्डा कार्यकर्ता भी जुड़िया और छोटे तो छोटा भी कार्यकर्ता जुड़िया और हर कार्यकर्ता ने थोड़ा या कोई ज़्यादा समा कमल शर्मा जी ने बिताया और वो अपन गल्ला साझिया करते भी कर रहे थे भी मैं इस तरह किया, मैं उस तरह किया। कुछ दो गल्ला मैनू भी चेते आ गई, मैं अगे भी सारे साझिया कीतिया, मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैं भी क्योंकि मैं समझता भी कार्यकर्ता पता लगता है भाई कमल जी की शख्सियत सी, किस तरह का उन्हों का किरदार सी। पार्टी ने मौका दिता सेवा करन दा, वाइस चेयरमैन बनाया मंडी बोर्ड का, मैं सभा मंगया कमल जी ने कहा सवेरे चंडीगढ़ आ जा, मैं चंडीगढ़ गया और बहुत वड्डे वड्डे लीडर बहुत वड्डे वड्डे कार्यकर्ता उत्थे बैठे सीगे, मैं जाके जे अंदर खड़ा ही होया तो मैं जाते हैं कहते भी आओ जी साढ़े चेयरमैन साहब आ गए अमृतसर के। मैं हसन लग पाया, मैं क्या कमल जी ने जाके क्या, मैं कमल जी तुम मैं वाइस चेयरमैन बनाया तो सारे जो तुम मैं चेयरमैन अनाउंस करता, कहते पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तू चेयरमैन ही है, सरकार दे विच तैनू वाइस चेयरमैन तुहानू बनाया पर तुसी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हो, इहो जिहा किरदार सी भी कार्यकर्ता। मैं उस गल नू भुलिया ही नहीं अजे तक, मैं मूँह मिठा कराया, कहिंदे सारिया दा मूँह मिठा करा भई इहो जिहा कई चीज़ां, इह तुहानू मैं एक चीज़ दसी, कई चीज़ां जिंदगी दे विच इहो जिहा होईआं। संघ दे प्रचारक रहे, विद्यार्थी परिषद च काम कीता प्रचारक रहे, राजनीतिक सलाहकार रहे सीएम प्रकाश सिंह बादल जी दे, उदों वी कार्यकर्ता दा फोन वर्कर दा फोन सब तो पहले अहमियत हुंदी सी। मीटिंग दे विच अपने पीए नूं उन्होंने कहा हुंदा सी जिहड़ी जिहड़ी कॉल आंदी इहनूं नोट कर लै और उस तो बाद उन्हां दा फोन भी करना और चंडीगढ़ बुला के काम भी करना। जदों प्रदेश अध्यक्ष सी उदों पार्टी ने एकदम बूस्ट कीता सी, मैं समझदा बई इहो जिहा दिया सी जिहड़ा बुझ ते गया पर उसकी लोह उसकी रोशनी अजे तक समाज दे विच अपना चानण दे रही है। इहो जिहे शख्सियत सीगे कमल शर्मा जी। मैं ज्योति जी तुहाडे चैनल के माध्यम राही पहले तो धन्यवाद करदा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का, जेडे उन्होंने स्टाफ के इत्थे लोग ने जिन्होंने कार्यक्रम रखिया, बख्शी राम अरोड़ा जी सीगे, चंद्रशेखर शर्मा जी, लविंदर बंटी जी, अनुज सिक्का जी, प्रदीप सरीन जी, रोमी चोपड़ा जी, संदीप बैल, शंकर जी, मेरे भरा सचिन मेहरा जी आए ने, यह उचेचे तौर पर इन्हों सद्या से भी कहें भी मैं भी कमल जी की श्रद्धांजलि समारोह से आना है। बहुत बहुत सारिआं दा धन्नवाद करदे आं जी, तरुण जी का भी बहुत धन्नवाद करदे आं। अखीर ते मैं उन्हां दी पंजवीं पुन्य तिथि ते
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਚਿਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, RSS 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਲੀਡਰ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਪਰ।